Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study channel को. Hello. हेलो गाइस, वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाई फाई स्टडी पे. नाउ वाई फाई स्टडी हैज बिकम द पार्ट ऑफ अन अकेडमी. जिंदगी में खुश होने के सफल होने के जो तरीके बता रहा था आपको मैं, उसमें आज तीन वर्ड्स जोड़ना चाहता हूं. तीन वर्ड्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला एक वर्ड है आपका एच, दूसरा एक है एच और तीसरा है पी. क्या है जी एच एच पी? पहले एच का मतलब क्या है? पहले एच का मतलब है कि हैप्पीनेस, हैप्पी रहना है. बिल्कुल, पहले एच मतलब हैप्पी. आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए. अगर सफल होना है तो रोने से नहीं चलेगा. हाय रब्बा करने से कुछ नहीं होने वाला, उससे सिर्फ समय व्यस्त हो, बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं होगा. तो करना क्या है? सबसे पहला काम आपको हैप्पी रहना है. हैप्पी कैसे रहोगे? हैप्पी रहोगे अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो और आपके अंदर पेशेंस है. आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए कि साहब मुझे नौकरी, बड़ी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं. अगर मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं तो मेरे को समय लगेगा, उसके लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा. तो मैं पेशेंस रखूंगा, धैर्य रखूंगा. और धैर्य रखूंगा तो ऐसा नहीं कि धैर्य रख लिया मैंने, बस खड़ा हूं, एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन धैर्य है मेरे पास, सिलेक्शन हो जाएगा. नहीं, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा. तीनों चीजें अगर आपके अंदर हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी सफलता सुनिश्चित है. आप हार्डवर्क करते चलिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और हैप्पी रहिए. मैं लिख के दे सकता हूं आपका सिलेक्शन होगा. यह मैं खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप भी ऐसा कर सकते हैं. हालांकि मैंने अभी बहुत बड़ा एग्जाम नहीं निकाला, मेहनत कर रहे हैं, आप भी कीजिए, मैं भी करता हूं. 100% आपकी मंजिल मिलेगी, मुझे मेरी मंजिल मिलेगी. क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर कोई इंसान ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, उसमें धैर्य है, पेशेंस है और हैप्पी रहता है, सिलेक्शन उसका पक्का है. सफलता एक ना एक दिन उसे जरूर मिलेगी. चलिए, संदीप सर का जीके खजाना भूल न जाना आना डेली होती है रात को 12 बजे क्लास. डेली मतलब डेली 12 AM एवरी डे डेली क्लास होती है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. कमेंट्स लगाइए सर, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके स्क्रीन में आएंगे, ये देखेगा बहुत खूबसूरत कमेंट्स. एक कमेंट, तीन चार कमेंट्स आपके स्क्रीन में आएंगे. कमेंट्स लगाने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप लोग इन चीज़ों को देखें, पॉजिटिव कमेंट्स को देखें, पॉजिटिव रहें. क्योंकि जो पॉजिटिविटी होती है बहुत ही शानदार चीज़ होती है. पॉजिटिव रहने से शरीर से पॉजिटिविटी आती है. निगेटिव बातें नहीं करनी, निगेटिव सोचना नहीं है, निगेटिव देखना नहीं है. बहुत बच्चे निगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, उलटपटांग शब्द लिखते हैं, अच्छा नहीं लगता. पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव करिए, दैट्स ऑल. सब कुछ पॉजिटिव होगा. जो निगेटिव होगा, जिसके अंदर निगेटिविटी होगी, उसकी जिंदगी निगेटिव ही होगा हमेशा. वो हमेशा परेशान रहेगा क्योंकि उसके अंदर निगेटिविटी है ना. रोएगा, गाली देगा, किसी गुलपटांग बोलेगा. इस कारण से बी पॉजिटिव, बी हैप्पी. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. देखेगा ये क्लास कौन सी है. देखिए मेरी दो क्लासेस होती है, एक होती है 6 PM में, सॉरी 8 PM में. 8 बजे शाम को क्लास होती है, जहां पर ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं. और एक क्लास होती है 12 AM में. ये दोनों क्लासेस आपको देखना है. जो 8 PM वाली क्लास है मेरी, 8 बजे शाम की क्लास, वो JEE की क्लास है. लेकिन JEE का नहीं है, वो सारे बच्चे देखते हैं, चाहे वो JEE वाला हो, चाहे SSC वाला हो, चाहे रेलवे वाला हो, सारे बच्चे देखते हैं. तो 8 PM और 12 AM दोनों क्लासेस आपको डेली देखना है. मतलब डेली एक भी दिन मिस नहीं करना. एक दिन क्लास मिस करने का मतलब है कि आपने अपने एग्जाम में 2 नंबर फेल कम कर लिए. 4 दिन तो 8 नंबर कम हो जाएंगे. इस कारण से दोनों क्लास डेली देखना है. ठीक है, चलिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा. आप लाइक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है. वीडियो डेली लाइक कर दिया करिए. क्लास में आके सबसे पहला काम वीडियो लाइक करना है. एक लाइक करने का मतलब अपनी सीरियसनेस, अटेंडेंस दिखाना है. मैंने लाइक कर दिया मतलब मैं आया, पूरी क्लास देख के जा चुका हूं, तो मुझे मालूम चलता है कि हाँ कितने सीरियस बच्चे डेली आते हैं. और वीडियो शेयर करना है. हालांकि आप लोग शेयर करते हैं, अच्छा लगता है. फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में शेयर करते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस आप लोग लगाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है दुनिया की स्थानीय हवाएं, लोकल विंड्स इन द वर्ल्ड. ऐसा ही बना दीजिएगा इसका, लोकल विंड्स ऑफ द वर्ल्ड, या दुनिया के स्थानीय हवाएं, है ना. तो ये रखना. एक और चीज बता देता हूं मैं आपको कि अगर आपने SSC का प्लस अभी तक नहीं लिया तो प्लीज जुड़ जाइए. आपको मालूम है कि SSC CGL का रिजल्ट भी आउट हो चुका है आप लोगों का परसों. और मैं फिर से बोलता हूं, ईमानदारी से तैयारी करना है. अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन बैंक के अलावा कोई भी एग्जाम, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे JEE हो, चाहे अभी बिहार सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आ गई है, या कि आपके यूपी की SSC की वैकेंसी आने वाली है, आंख बंद करके आप हमारे साथ SSC में जुड़ सकते हैं 1 साल के लिए.
YouTube में धुआंधार क्लासेस चल रही हैं, और भी क्लासेस आने वाली, मेरी मैराथन क्लास लेके आने वाला हूँ बहुत जल्दी। बाकी प्लस में आप SSC में आ सकते हैं, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 ईयर में सिलेक्शन की गारंटी हमारी है, 1 ईयर फीस भी बहुत कम है इसकी, 4,500 रुपये है, 1 ईयर में आपके सारे एग्जाम की तैयारी करा दी जाएगी। ज़्यादा डाउट हो तो 8448447780 पे कॉल कर लीजिएगा, 8448447780, यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और 4,500 रुपये 1 ईयर का बोलना, आप 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ मत लेना, घाटे में पड़ जाओगे, 1 ईयर वाला लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्विच हो जाएगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए साहब, सबसे पहले आता है कौन का स्थानीय पवन में, कौन सी सबसे पहले लोकल कोल्ड विंड देखते, जो ठंडी हवाएं होती हैं, तो ठंडी हवा में देखेगा, ये देखिए साहब, सबसे पहले आता है आपका कौन सा, विली वाओ, ये अलास्का की ठंडी हवा है। आपको मालूम है अलास्का कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका के भी नॉर्थ में अलास्का है, बहुत ठंडा स्थान है, बर्फ जमी रहती है। तो ये अगर पूछे कि विली वाओ कहाँ का, आप बोलोगे अलास्का का, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद करने का तरीका कैसा है, याद करने का तरीका है WAW, बोलते हैं ना वाओ, कई लोग WOW बोलते हैं, हमको याद करना है तो हम WAW बोलेंगे, जिसको जो करना है कर ले, हैं तो WAW मतलब W से हो जाएगा विली वाओ और A से हो जाएगा अलास्का, डन। चलिए नेक्स्ट आता है बोरा, बोरा आपका एड्रियाटिक तट जो है, एड्रियाटिक तट का जो एरिया है, यहाँ पे आपका जो बोरा हवा है चलती है, इटली के बिल्कुल ईस्ट में है, स्टेट ऑफ एड्रियाटिक में देखेगा एड्रियाटिक सी है, ये देखिए ये जो एरिया जोन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर चलती है आपकी कौन सी, आपकी बोरा हवा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कौन सा का मिस्ट्रल, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, याद करने का कैसा है, याद करने का तरीका है इसका MSF, MSF, तो M से क्या हो जाएगा मिस्ट्रल, S से हो जाएगा आपका क्या स्पेन, और F से हो जाएगा फ्रांस, ठीक है। चलिए ये ठंडी हवा है। अगला आता है बुरान, बुरान भी रशिया की हवा है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो बीच में छोड़कर नहीं जाना है, पूरा वीडियो A to Z देखना है। आपको मालूम है इस क्लास से क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, बताने की जरूरत नहीं है, बार बार आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और देखिए, यहां से क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आया ही आया होगा, आने वाले एग्जाम में बता रहा हूं। NTPC वाले बच्चे ये क्लास देख के जाना, NTPC भी यहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, वही ग्रुप डी वाले जो रेलवे वाले बच्चे हैं, SSC वाले बच्चे हैं, अभी JEE होने वाला है आने वाले समय, CGL, CHSL, CPO, GD सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, सारे बच्चे देखेंगे इस क्लास को तरीके से देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला आता है कौन सा, नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सा, बाइन, जो बाइज है ये आपकी साउथ फ्रांस की हवा है, कोल्ड विंड है। अगला आएगा पम्पेरो, अर्जेंटीना की है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, पम्पेरो कहां की है, अर्जेंटीना की। अगले देखते हैं नेक्स्ट आपका फ्रियाजेम, ये ब्राजील की है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, FB जैसे फेसबुक लिखते हो ना, फेसबुक FB, F से हो जाएगा फ्रियाजेम और B से हो जाएगा ब्राजील। आगे देखते हैं कौन सा, नार्दर, नार्दर आपकी अमेरिका की है, अगर आपने स्पेलिंग लिख दी NARDER लिख दिया आपने, N से हो जाएगा नार्दर, A से हो जाएगा अमेरिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है पापागायो, ये आपका मेक्सिको की है, कई बार एग्जाम में आया है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, PM करके याद कर लीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर, तो P से हो जाएगा पापागायो, M से हो जाएगा मेक्सिको, कई बार एग्जाम में आ चुकी है, कोल्ड विंड है। नेक्स्ट आता है नेवाडोस, ये आपकी इक्वाडोर की कोल्ड विंड है। चलिए आगे विली विली, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलना मत, विली विली कहां की आपकी, ऑस्ट्रेलिया की है, कैसे याद करोगे, एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे जिनका नाम था गिलक्रिस्ट, क्या नाम था गिलक्रिस्ट, ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही शानदार बल्लेबाज थे, उनको बोलते थे गिली, क्या बोलते थे गिली, है ना, गिलक्रिस्ट को, एडम गिलक्रिस्ट को गिली बोलते थे, गिली गिली से विली विली, ऑस्ट्रेलिया के थे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, आसान है। चलिए नेक्स्ट देखें कौन सा आता है, नेक्स्ट आता है आपका कुछ गर्म हवाएं देखते हैं, हमने अभी तक कोल्ड विंड्स देखी जो ठंडी हवाएं हैं, अब कुछ गर्म हवाएं देखते हैं। एक आती है आपकी ट्रेमोटेन, ये सेंट्रल यूरोप की हवा है, ट्रेमोटेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है अयाला, अयाला फ्रांस की ठंडी हवा, गर्म हवा है, कई बार एग्जाम में आया है। अगला आता है आपका वर्गस, ये साउथ अफ्रीका की गर्म हवा है, क्लियर। नेक्स्ट आएगा सुखोव, ये रूस और कजाकिस्तान की गर्म हवा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाते चलिएगा। PDF तो मिली नहीं तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, जब PDF डेली आपको मिलती ही है तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं कि सर मैं लिख के ही मुझे याद होता है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, बाकी जब PDF मिलती है तो नोट्स बनाने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है कौन सा आपका, गारिच, ये आपका साउथ ईस्ट ईरान की है, ईरान का जो दक्षिण पूर्वी एरिया है वहां की गर्म हवा है। नेक्स्ट आएगा लू, लू नॉर्थ इंडिया में चलती है, नॉर्थ इंडिया में आपका UP, बिहार, MP इस एरिया में गर्मी में देखिएगा अप्रैल मई जून में गर्म गर्म हवा चलती है और इससे फीवर हो जाता है, बहुत तेज वाला फीवर होता है लू, तो ये बहुत खतरनाक होती है। कभी गर्मी में आप घर से निकलते होंगे दोपहर में तो मम्मी बोलती होगी बेटा पानी पी के जाना या चाय पी के जाना या प्याज लेके जाना, लू ना लग जाए, बड़ी खतरनाक होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है सामून, ये ईरान की है, गर्म हवा है ये भी। चलिए अब कुछ और हवाओं के बारे में देखिएगा, एक हवा है आपकी चिनूक, तो जो चिनूक है ये संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल में चलती है, जो रॉकी माउंटेन है कहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका में, उसका जो ईस्ट वाला एरिया है ना यहाँ पर चलती है आपकी चिनूक, CHINOOK चिनूक।
आगे आता कौन सा फोन, यह आल्प्स पर्वत के नॉर्थ ढाल में चलती है, जो आल्प्स पर्वत है उसके जो नॉर्थ ढाल है, जो स्लोप है वहां पर चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट आता है हरमट्टन, यह भी कई बार एग्जाम में आया है, यह सहारा रेगिस्तान में चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डॉक्टर विंड कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा है डॉक्टर विंड किसको बोलते हैं, आप बोलेंगे हरमट्टन को डॉक्टर विंड कहा जाता है। नेक्स्ट आएगा आपका सिराको, जो सिराको है ये आपका कहां पर चलती है, भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है, भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरेनियन सी के सहारा मरुस्थल चलती है, ये जैसे सहारा मरुस्थल तो ईस्ट साइड चलती है, नॉर्थ साइड चलती है, और इसे क्या क्या बोलते हैं, खमसिन बोलते हैं मिस्र में, इसको इजिप्ट में मिस्र में खमसिन बोलते हैं, है ना, लीबिया में गिबिली बोलते हैं, ट्यूनिशिया में चिली कहा जाता है, मैड्रिड में लेस्ट बोलते हैं, इटली में सिरोक्को बोलते हैं, और स्पेन में लेबेक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएगा, ऑलरेडी जब पीडीएफ मिलती है तो चेक कर, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आता है अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म हवा कौन सी हो जाएगी, सिमूक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नॉर्वेस्टर, ये न्यूजीलैंड की हवा है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है इस हवा के बारे में। अगला आता है शामल, शामल कहां की है, ये इराक और फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं आपका गल्फ ऑफ पर्सिया, यहां पर चलती गर्म और शुष्क हवा है। नेक्स्ट आता है सांता आना, ये साउथ कैलिफोर्निया में सांता आना घाटी से चलने वाली गर्म और शुष्क धूल भरी आंधी है। चलिए देखो मैं फिर से बोलता हूं, जितनी इंपॉर्टेंट हवाएं हैं इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, लिख लो किसी कागज में, इंपॉर्टेंट जितनी थी मैंने ढूंढ ढूंढ के रिसर्च करके अपनी टीम के साथ बनाया है, करीब 15 से 20 इंपॉर्टेंट हवाएं हैं, 20 याद कर लेना है, जो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है वही कराता हूं, मालूम है खुद भी नौकरी लिए भाई साहब, तो कुछ तो आता ही होगा तो ही नौकरी लिए है, उसी रास्ते से आपको भी लेकर जा रहा हूं कि मैंने कैसे कैसे पढ़ाई की थी, मुझे उम्मीद है आपका भी सिलेक्शन होगा अगर वैसे वैसे रास्ते में चलेंगे तो। मैंने इंजीनियरिंग की है, मुझे जी को बिल्कुल नहीं आता था, 0% जी के आता था, इन 5 सालों मैंने जी के बहुत स्ट्रांग किया है, पढ़ पढ़ के डेली, आपको भी सिलेक्शन होगा मैं दावे से बोल सकता हूं, बस ईमानदारी से लग रहिएगा, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, डेली अपने को आना है क्लास में, डेली मतलब डेली। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते देखेगा, ये देखे साहब कल मैंने 2 क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेनली कंपोज्ड ऑफ विच रॉक, जो क्रस्ट होता है वो आग्नेय चट्टानों से बना होता है, एक ये आंसर था। दूसरा था डोलोमाइट इज, डोलोमाइट क्या है, डोलोमाइट एक सेडिमेंटरी रॉक है, मतलब अवसादी चट्टान है। चलिए नेक्स्ट देते हैं, 5 क्वेश्चन आएंगे स्पेशल टॉपिक में, 5 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन में देखेगा, पहला क्वेश्चन बोलता है कि सैंड स्टोन इज अ मेटाफोस्ड टू, जो सैंड स्टोन है वो किस रूप में रूपांतरित किया गया है, क्वार्ट्जाइट में किया गया है, इसका आंसर क्वार्ट्जाइट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है, सूरज होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सन। अगला क्वेश्चन सुपरनोवा इज, सुपरनोवा क्या है, एन एक्सप्लोडिंग स्टार, एक विस्फोटक सितारा है। अगला द सोलर रेडिएशन कमिंग टू अर्थ इज कॉल्ड, जो सोलर रेडिएशन होती है जो पृथ्वी में आती है सूर्य से रोशनी, उसको इनोलेशन कहा जाता है, इंसोलेशन कहा जाता है, इनोलेशन ही इंसोलेशन, इन सोलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है आपका कि स्टडी ऑफ ओरिजिन एवोल्यूशन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आज के 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है, एक क्वेश्चन यह है कि सौरमंडल के 4 सबसे बड़े ग्रह बताइएगा, जो सोलर सिस्टम है उसके 4 बड़े प्लैनेट्स, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, स्क्रीन में कमेंट्स आप देख लीजिएगा, है ना, तो 4 प्लैनेट्स बताना है, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ठीक है, इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट आएगा कौन सा आपका, अगला क्वेश्चन यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मापने के लिए कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ओडोमीटर और आपका एनीमोमीटर। चलिए अब आते हैं डेजर्ट ऑफ द डे में, तो आज हम बात करेंगे 1944 की, 1944 का पहला पॉइंट यह है कि 1944 में सार्जेंट प्लान बनाया गया था जो कि एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए था। दूसरा 1944 में मुंबई के 5 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, 5 उद्योगपतियों ने 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश की थी जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1944 में गांधी जी के आर्थिक विचारों से प्रभावित होकर श्रीमद नारायण द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई थी, गांधीवादी मॉडल दिया गया था, ये सब कुछ 1944 में हुआ था। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, ज्यादा डार्क नहीं किया है, तो चिंता मत करना पीडीएफ में दिख जाएगा, है ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। चले अगला लिखा है कि वर्ष 1944 में ही रूसी योजना से प्रेरणा लेते हुए कम्युनिज्म दल के नेता एम एन रॉय ने द पीपुल्स प्लान जन योजना नामक योजना प्रस्तुत की थी जो 10 वर्षीय थी, ठीक है ना, इसमें 10 वर्ष में जनता की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना था और रोजगार सुविधाओं का विस्तार करना था। इसके बारे में आगे ये लिखा है कि यह योजना पूर्णतः साम्यवादी विचारधारा पर आधारित होने के कारण इसे देश के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया, ठीक है,
चलिए अब देखते हैं डे ऑफ द डे। तो आज डे ऑफ द डे में देखिएगा कि आज क्या है आपका वरिष्ठ विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है। मैं फिर से बोलता हूं, बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। याद रखना आज आप छोटे हैं, बचपना है, समय होता है 20 साल 25 साल में लोग बचपने होते हैं, बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, घर में जाते हैं दादा दादी को तू तड़ा करके बात करना, मम्मी पापा को उलपटांग बोलना गलत बात है। जितना सैक्रिफाइस माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, जितना सैक्रिफाइस दादा दादी अपने बच्चों के लिए करते हैं, उतना कोई नहीं करता है। इस कारण से बुजुर्गों का सम्मान करना है, बुजुर्गों की इज्जत करना है, यह हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। और एक इंसान होने के नाते मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं, यह उम्मीद आपसे लगा सकता हूं कि आप बिल्कुल बुजुर्गों का सम्मान करेंगे। कभी बस में जाते हैं तो अगर बस में कोई बुजुर्ग है तो प्लीज सीट से उठ जाया करिए, उनको सीट दे दिया करिए। अगर कहीं देखते हैं कोई बुजुर्ग है जिसको हेल्प की जरूरत है, अगर आप बैंक जाते हैं फॉर्म भरना है तो बुजुर्गों को फॉर्म भर दीजिए, पुण्य मिलता है। अब पुण्य मिले चाहे ना मिले, हमारी जिम्मेवारी है कि इंसान होने के नाते, क्योंकि याद रखना अगर आप वैसे नहीं कर रहे हो तो फिर एक काम कर ले, ये भी सोच लें कि आप आज नहीं तो कल आप भी बुजुर्ग होंगे, और जैसे को तैसा मिलता है, क्योंकि कर्मा एग्जिस्ट, कर्म का फल होता है, आप जैसे कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं हमारे सभी नवयुवकों से, जितने भाई और बहन वीडियो देख रहे हैं, प्लीज बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज होती है। अगर बुजुर्ग आपके सिर में हाथ रखकर एक बार बोल दे कि आपका सिलेक्शन होगा तो 100% होना तय है, बशर्ते कि आप मेहनत कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, आतंकवाद के पीड़ितों को अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि का दिवस आज के दिन है 21 अगस्त को। आगे है कि 1972 में आज के दिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज के दिन किया गया था 21 अगस्त को। अगला है कि 2006 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का देहांत हो गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब सहनाई बजाते हैं, बहुत बड़ी पर्सनालिटी, जिनके बारे में मैं बोलना चालू करूं तो शायद खत्म ही नहीं हो पाएगा, पूरी जिंदगी बीत जाएगी मेरी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को हम उनके चरणों में नमन करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट की खगोल भौतिकी शास्त्र सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जो निधन है 1995 में, आज के दिन ही हुआ था, इंपॉर्टेंट है। चले तो इतना ही था आज की क्लास में, सिर्फ इतना ही था। मैं फिर से बोलूंगा कि आपको करना कुछ नहीं है, बस अच्छे तरीके से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और वीडियो देखना है। वीडियो देखना जरूरी है, प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है, पढ़ लीजिए, बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट नौकरी बहुत जरूरी है, प्राइवेट में कब किसको निकाल दिया जाए मालूम नहीं रहता है, गवर्नमेंट नौकरी बहुत जरूरी है, प्लीज पढ़ लीजिए। इतना अच्छा अवसर कभी नहीं आएगा, आपके सामने एसएससी की ढेर सारी वैकेंसी आ रही हैं, रेलवे वैकेंसी आ रही है, और करना कुछ नहीं है। कई बच्चे बोलते सर मैं कैसे पढ़ूं, कैसे मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो यार हम है ना किस चीज के लिए है यार, हमने खुद नौकरी ली तो हमको मालूम है नौकरी कैसे लेते हैं। होता ना कि जिस गांव में आप गए तो आपको रास्ता मालूम है कैसे जाना है, आप शॉर्टकट से भी लेकर चले जाओगे, रास्ता तक लेकर जाओगे, मंजिल तक लेकर जाओगे, उसी जिम्मेवारी हमारी है। बस जुड़े रहिए साथ में, डेली क्लास हर क्लास देख रहे हैं, जीके की चाहे 8 बजे वाली शाम की क्लास हो चाहे रात को 12 बजे क्लास हो, और वादा करता हूं मैं जितनी मैंने पढ़ाई की है उस लेवल तक कर देंगे। अब देखो हनुमान जी को कितना भी ज्ञान दे दिया गया था, फाइनली उड़ना हनुमान जी को ही पड़ा था लंका जाने के लिए, तो मैं कितनी भी नॉलेज आपको दे दूंगा, फाइनली एग्जाम में आप ही बैठिएगा और आप ही तैयारी कीजिएगा। तो फिर से बोलता हूं हाथ जोड़कर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मस्त पढ़ाई कीजिए, नौकरी लीजिए, क्योंकि वही स्वर्ग है, बाकी कुछ नहीं है। बाय बाय, गुड नाइट।